नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि RS 260,000 की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष सामान्य मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है? उसने कहा है कि 260,000 रुपये पर जो भी 12% ब्याज मिलेगा उसे स्कूल में 24 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में बांट दिया जाएगा। तो आप बताइए कि प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है, यानी प्रत्येक छात्र को कितने रुपये मिलेंगे ये हमें बताना है। इसमें हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है 260,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, और टाइम कितना है, टाइम है 1 वर्ष, यानी कि जो हर साल ब्याज मिलेगा उसी राशि को 24 छात्रों में बांटा जाएगा। अब ब्याज कितना मिलेगा, पहले तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पी गुणा आर गुणा टी भागे 100, पी कितना है 260,000, रेट कितना है 12, टाइम है 1 भागे 100, 0000 कट जाएंगे। अब जो बचा उसका हम गुणा कर देंगे, 0000, 12 का 6 में होगा 12 6 72, 7 आ जाएगी हासिल, 12 2 24, 24 और 7 31, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज है, ब्याज निकल के कितना आ गया, ब्याज आ गया 31,200 रुपये। अब यही 31,200 रुपये 24 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य हमें यहाँ पर निकालना है, प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ये कैसे निकलेगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया 31,200, यही पैसा 24 छात्रों में बांटा जाना है, ठीक है। तो अब हम इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको पहले 2 से काटते हैं, तो यहाँ 12 है आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छः 12 00। अब 12 से हम इसको काट सकते हैं, 12 एकम 12, 3 बचा, 12 3 36 और 00, यानी कि प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना आ गया, 1300 रुपये, यानी हर एक छात्र को 1300 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे, क्योंकि 260,000 टोटल धनराशि है, 12% उस पर ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कुल ब्याज मिलेगा 31,200, इसको 24 से भाग दिया तो आंसर आ गया 1300, यानी प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य 1300 रुपये है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।